एनिमल्स को डिटेल से डिस्कस किया, फिर हमने प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वेस्क्यूलर सिस्टम इन प्लांट डिस्कस किया, जिसमें वो पाइप्स या वो वेसल्स पड़ी जो क्या करती हैं, वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, किसमें, प्लांट्स के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट बाय अ सिस्टम। उस सिस्टम का नाम या उस सिस्टम को पढ़ेंगे जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम सबको ये बात अच्छी तरह से पता है, गर्ल्स हमने ये बात जो है वो पहले ही डिस्कस कर ली है कि रूट्स वो एरिया या वो रीजन है जो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेती हैं बाय रूट हेयर्स। ठीक है, बाय रूट हेयर वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट्स में आते हैं, फ्रॉम सेल टू सेल इट एंटर इनटू द पाइप व्हिच इज कॉल्ड जाइलम वेसल्स। सेल टू सेल वो ट्रांसमिट होके जाइलम वेसल्स में आता है और फिर कहाँ पहुँच जाता है, लीव्स में। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का किचन है जो क्या करते हैं, यहाँ पर फूड मेकिंग होती है प्लांट की। प्लांट अपना फूड बनाते हैं वाटर में, वाटर को यूटिलाइज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं, फूड बनता है। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, फोटोसिंथेसिस का। अब जब फूड बन गया, ठीक है, तो वो फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है और ये वाटर किस तरह से, किस सिस्टम के जरिए लीव्स और डिफरेंट रीजन तक आता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, वाटर एंटर हुआ है रूट्स में, फिर जाइलम वेसल्स में गया है, स्टेम में गया है रूट्स के ही जरिए, और फिर लीव्स में आ गया है और लीव्स में प्लांट में जो है वो फूड बना है। अब जो एक्सेस वाटर होता है वो कहाँ जाता है, ठीक है, वाटर इस्तेमाल होता है फूड मेकिंग में लेकिन वाटर कंटिन्यूटी में आ रहा है, तो अब जो एक्सेस वाटर है तो वो कहाँ जाता है, लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं और जो है वो लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स में, यानी लीव्स के लोअर सरफेस में ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। ये टाइनी पोर्स, ये छोटे छोटे सुराख क्या करते हैं, ये एक्सेस वाटर को डिफ्यूज आउट करा देते हैं, रिलीज करवा देते हैं। ठीक है, एक्सेस वाटर जो अब प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है तो वो स्टोमेटास के जरिए, इन टाइनी पोर्स को, इन छोटे छोटे सुराखों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटास, इनके जरिए एक्सेस वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो स्टोमेटास के जरिए जो वाटर एवोपरेट हुआ है तो ये एवोपरेशन ऑफ वाटर है, जो क्या है, एक फोर्स है जो रूट से लीव्स तक वाटर पहुंचा रही है और स्टोमेटा से रिलीज करवा रही है। तो ये प्रोसेस, यानी एवोपरेशन का प्रोसेस जो हो रहा है और लीव से स्टोमेटास तक वाटर आ रहा है और रिलीज हो रहा है एक्सेस वाटर, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जो कौन सी फोर्स से होता है, एवोपरेशन की फोर्स से होता है। ठीक है, क्या है, एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये एवोपरेट हो जाना लीव से थ्रू स्टोमेटा, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, एक तरफ ये एक्सेस वाटर को रिलीज करवा रहा है और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जो ट्रांसपायरेशन का रेट कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, जिन पर ट्रांसपायरेशन डिपेंड करती है। ठीक है, किस तरह से ट्रांसपायरेशन स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले विंड है, तेज हवा। ठीक, जब हवा तेज होती है, विंड होती है, तो ऐसी सूरत में एवोपरेशन फास्ट हो जाता है, जब एवोपरेशन फास्ट होता है तो ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एरो अपवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कैसा हो गया है, फास्ट हो गया है। टेम्परेचर, दर्जा हरारत। ठीक है, अब कम और ज्यादा, जब ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है ऑन वार्म डे, यानी गर्म दिनों में, तो आप सबको पता है कि एवोपरेशन फास्ट होती है, तेजी से हर चीज ड्राई हो रही होती है, एवोपरेट हो रहा होता है वाटर, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाता है, फास्ट होता है। जब जब एवोपरेशन फास्ट होगी तो याद रखिएगा ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक, ह्यूमिडिटी, हवा में नमी, जब ह्यूमिडिटी होती है तो एवोपरेशन का अमल स्लो होता है। आप सबको पता है हर गीली चीज देर से खुश्क हो रही होती है, जब हवा में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, ठीक है, वेपर्स मौजूद होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाएगा,
स्लो हो जाएगा ऑन रेनी डे. बारिश के दिनों में अमूमन होता है ना कि मॉइस्टनेस होती है एयर में, तो एवोपरेशन जो होती है स्लो हो जाती है. एवोपरेशन का अमल जब स्लो होगा तो ट्रांसपायरेशन भी कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा. टाइम ऑफ डे, आप सबको पता है दिन में प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो उनके अंदर जो टाइनी पोर्स स्टोमेटास होते हैं ये ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. फूड मेकिंग में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है. तो जब स्टोमेटास ओपन होते हैं तो एवोपरेशन होती है, ठीक है, एवोपरेशन भी होगी इजीली. और स्टोमेटास एट नाइट टाइम ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो एवोपरेशन भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या बंद हो जाएगी, रुक जाएगी. तो टाइम ऑफ डे, जब दिन का वक्त होगा डे टाइम स्टोमेटास आर ओपन एंड यूजुअली क्लोज एट नाइट. नाइट में ये जो है वो बंद होते, तो एवोपरेशन भी क्या होगा, डे टाइम में होगा, और नाइट में क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा. तो ट्रांसपायरेशन भी एट डे टाइम इट अकर्स एंड एट नाइट इट स्टॉप्स. ठीक, अब क्या इम्पोर्टेंस है इस ट्रांसपायरेशन की, ये भी देख लेते हैं. क्यों ये अहम है, क्या इसकी अहमियत है. सबसे पहले वाटर एंड मिनरल्स जो रूट्स लेती हैं, ठीक है, वाटर और मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, वो ज़ाइलम वेसल्स के जरिए ऊपर तक जा रहा है, लेकिन जो फोर्स है एवोपरेशन की वो पहुंचा रही है ना वाटर को लीव्स तक. तो ट्रांसपायरेशन अहम हुआ ना, वही फोर्स क्या कहला रही है, ट्रांसपायरेशन कहला रही है. एवोपरेशन ऑफ वाटर जो फोर्स है, जो कौन सा अमल करा रही है, कौन सा प्रोसेस करा रही है, ट्रांसपायरेशन का. तो ट्रांसपायरेशन क्यों अहम है, क्योंकि ये क्या कर रही है, वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से लेकर ले रही है और लीव्स तक पहुंचा रही है. यानी वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा प्रोसेस अहम है, ट्रांसपायरेशन का. अगर ट्रांसपायरेशन नहीं हो तो ये काम भी फिर क्या हो, रुक जाए. ठीक, नेक्स्ट क्या है, इट कीप्स अ सेल टर्जिड फॉर्म. वाटर जा रहा है सेल में, जा रहा है सेल टू सेल, सेल में एक खास स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल को क्या कर रहा है, ये वाटर सेल में आता है और सेल को जो है वो रप्चर होने से बचाता है, सेल को एक खास प्रोटेक्शन दे देता है, सेल को टर्जिट कर देता है, मजबूत कर देता है या फुला देता है. ठीक है, इसी के साथ साथ इट कीप्स द प्लांट कूल इन हॉट वेदर. देखिए खुद सोचें, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, प्लांट भी डेड होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं. तो ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, जो गर्मी में, सख्त गर्मी में प्लांट्स को ड्राई होने से बचा रहा है, उसका टेम्परेचर रेगुलेट रख रहा है, क्योंकि वाटर मुसलसल डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है सेल टू सेल, बर्ड्स में, लीव्स में, फ्लावर में, मुख्तलिफ ब्रांचेस में जा रहा है और प्लांट के टेम्परेचर को क्या कर रहा है, इसके बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है. ठीक है, इसको ड्राई होने से बचाता है, तो इसीलिए भी ट्रांसपायरेशन अहम है. नेक्स्ट आप देख लीजिए, अब हमारे पास क्या है, अब वाटर और मिनरल्स की तो ट्रांसपोर्टेशन हो गई बाय ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट क्या है, फूड. वो फूड जो यहाँ बना है वो किस प्रोसेस से डिफरेंट रीजन में जाता है, उन पार्ट में जो सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते, लाइक रूट्स, उन रीजन्स में जहाँ पर जो है वो फूड बन फ्रूट्स मौजूद होते हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो ग्रो हो रही होती हैं, इन सारे रीजन्स में जो लीव्स का फूड है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है, देख लेते हैं. दिस प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव टू द डिफरेंट ग्रोइंग रीजन्स एंड स्टोर इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन. क्या है कि फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टिश्यूज, ये बात हम सब डिस्कस कर चुके थे, मैंने आपको बताया था फ्लोएम टिश्यूज, फ्लो से याद रखिएगा फूड की ट्रांसपोर्टेशन. फ्लोएम टिश्यूज क्या कर रहे हैं, ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और ज़ाइलम किसकी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, वाटर एंड मिनरल्स की. अब फूड जो यहाँ बना है, ऐसे फूड को हमने क्या कहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज मेड बाय फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये बन गया, ठीक है, लीव्स में ये रेड एरो शो क्या कर रहा है कि अब ये डाउनवर्ड भी जा रहा है, ग्लूकोज फूड है जो रूट्स में भी जा रहा है, और यही एरो अपवर्ड भी जा रहा है जो बर्ड्स में भी यूज होगा, फ्रूट्स में भी, फ्लावर में भी, डिफरेंट जगह पर ये फूड जाएगा. तो अब ये फूड किस प्रोसेस से जाता है, बाय फ्लोएम टिश्यूज जाएगा, और कौन से प्रोसेस से जाएगा, ट्रांसलोकेशन. ठीक है, ग्लूकोज मूविंग टू ग्रोइंग बर्ड, यहाँ से ग्लूकोज मूव हो रहा है बर्ड्स की तरफ भी जा रहा है, और ये ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस ने बनाया है, ग्लूकोज मूविंग डाउनवर्ड टू ग्रोइंग रूट, और यही ग्लूकोज डाउनवर्ड भी जा रहा है रूट में.
ठीक है। और यहाँ क्या है, सॉल्ट एंड मिनरल्स टेकन अप बाय रूट। और यहाँ पर ये जो एरोज हैं ये क्या शो कर रहा है कि सॉल्ट और मिनरल रूट के जरिए क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है रूट एरिया के जरिए और फिर जाइलोमेसेंस के जरिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस फ्लोएम टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अदर फूड फ्रॉम लीव्स टू द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या किया, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसलोकेशन। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जी गर्ल्स, अब यहाँ पर क्या है कि गैशियस एक्सचेंज का टॉपिक क्या है कि प्लांट में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। हम सबको ये बात पता है कि प्लांट फूड मेकिंग के लिए कौन सी गैस इनको चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से एंटर होती है, सबको आपने ये बात पढ़ी है कि प्लांट्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटास। स्टोमेटास ओपन होते हैं एट डे टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जो है वो एंटर हो जाती है, यानी स्टोमेटास वो पोर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर रहे हैं और वाटर के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और ग्लूकोज बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। अब ये भी कैसे रिलीज होगी, ये कहाँ से रिलीज होगी, ये भी स्टोमेटास ही, ये क्लोज स्टोमेटास हैं, ये ओपन हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यानी ये गैशियस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर होना थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन गैस का रिलीज हो जाना। इसी तरह से रेस्पायरेशन, आप सबको पता है रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर होता क्या है, जो है ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमंस में एनिमल्स में काम होता है, इस तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो प्लांट में भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, प्लांट्स में भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। अब ये ऑक्सीजन आई कहाँ से, ये एयर से, एटमॉस्फेयर से आई है, बाय स्टोमेटास। स्टोमेटास वो पोर्स हैं जो क्या रिसीव कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। साथ में वाटर रिलीज होगा और एनर्जी मिलेगी, सेल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इस्तेमाल होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फौरी तौर पर कहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, आप सबको पता है रेस्पायरेशन डे नाइट प्रोसेस है, यानी प्लांट थ्रू आउट द लाइफ रेस्पायरेशन जो है वो करता है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, प्लांट्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पायरेशन से रिलीज हो रही है ये डे टाइम में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डे टाइम का प्रोसेस है, तो जो रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो इसीलिए नोटिसेबल नहीं होती क्योंकि वो फौरी तौर पर कहाँ इस्तेमाल हो जाती है, प्लांट के फूड मेकिंग प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटास, कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर होना, ऑक्सीजन का रिलीज होना, या ऑक्सीजन का एंटर होना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। गर्ल्स आइए अपना होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क क्या है गर्ल्स, आपको करना है, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड क्वेश्चन 9DE एंड लर्न इट फ्रॉम यूनिट 3। मूव टू द पेज नंबर 27 पे मूव कीजिए गर्ल्स, यू विल गेट द क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 7 क्या है, हाउ इज वाटर लॉस्ट फ्रॉम अ प्लांट। 8 है आपके पास, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन फॉर अ प्लांट, ठीक है। अभी हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन 9 में हमारे पास क्या रह गया था, डी रह गया था, ट्रांसपायरेशन एंड सर्कुलेशन, और ई था अ रूट हेयर एंड अ कैपिलरी। ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, आपको ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे देख लीजिए, मूव टू द पेज नंबर 22 को रीड कीजिएगा सही तरह से, 23 को, और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन आपको मिलेगा पेज नंबर 24 पे, ठीक है। ओके गर्ल्स, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।